नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गेट से डेकोरेट। तो ये देखिए, ये जो रेसिपी है ये ना कढ़ी है ना रायता है, एक दो नई डिश हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी है। तो फिर चलिए चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने खाने वाला जो चम्मच होता है उसी में से 4 से 5 चम्मच ये बेसन ले लिया है। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है तो इसीलिए आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ अभी धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक, और सारी चीज़ों का अच्छे से बेसन में मिला लेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बनाएंगे। ज़्यादा एक साथ पानी मत डालिए, नहीं तो ये घोल पतला हो जाएगा। हमें पतला घोल नहीं चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, क्योंकि हमें इसको तलना है पकौड़े की तरह, हमें तलना है इसको। अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। अच्छे से इनको मिला लेंगे पानी डालकर, ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा आधा चम्मच पानी में डाल दूंगी और अच्छे से इनको मिला लूँगी। देखिए हमारा घोल अभी रेडी हो गया है। घोल रेडी हो गया है, अभी हम लोग इसको तलेंगे। तो मैंने कढ़ाई ले लिया है, लोहे का कढ़ाई है ये, और इसमें तेल डाल दिया है। और इसमें से मैं चम्मच से डालूंगी, आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। इस तरह से छोटा छोटा पकौड़ा जो हम लोग तलते हैं उसी तरह से हम इनको तल लेंगे। और ये जो दो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, ये 5 मिनट में ही रेडी हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि क्या बनाना है, तो ये बना लीजिए। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है और 5 मिनट में ही बन जाता है। बेसन तो घर में होता ही है और दही भी होता है, तो इस तरह से हम इनको तल लेंगे। मीडियम आंच पे तलेंगे इनको, ज़्यादा हाई फ्लेम में करेंगे तो बेसन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसीलिए। और इसको इस तरह से तल लेंगे। तलने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं और चलिए हम लोग रेडी करते हैं दही को। दही जो हम लेंगे वो खट्टा वाला दही होना चाहिए। और दही को मैंने फेंटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, वैसे ही लिया है। और उसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और नमक। आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक और आधा चम्मच जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और देखिए दही को मैंने फेंटा नहीं या ग्राइंडर जार में भी कुछ भी नहीं किया है। इस तरह से दही मुझे अच्छा लगता है तो ऐसा ही दही मैंने लिया है। इसको अच्छे से फेंट देंगे, जो चीज़ें हमने इसमें डाला है उसको मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अभी आधा कप के बराबर हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा पतला कर लेंगे दही को। और इसी दही जो हमने बनाया है, इस दही में हमें 2 रेसिपी बनाएंगे। और हमारा दही बन के रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो आप फेंट भी सकते हैं दही को और छौंक लगा देंगे, जीरा और हरी मिर्च का छौंक लगा देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लें और इसको और एक जगह में हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 2 रेसिपी बनाना है तो इसीलिए। और हमारा पकौड़ा भी रेडी हो गया है। तो इसको ये गरम गरम पकौड़े से ही हम दही में डाल देंगे, जो दही हमने तैयार किया है उस दही में डाल देंगे इसको। और इसको दही में अच्छे से मिला लेंगे, दही में डुबो देंगे बिल्कुल। तो क्या होगा कि ये दही को सर्व करेगा,
इसमें ना हमने कुछ भी मसाला नहीं डाला है, ना आमचूर पाउडर, ना चाट मसाला, कुछ भी नहीं, पूरा प्लेन दही है। बस आप चाहते हैं तो आधा चम्मच खाली डाल दें जीरा पाउडर। और ये है उड़द दाल की बड़ी। देखिए इसमें तिल है, इसमें जीरा है, इसमें लाल मिर्च और अदरक है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप चावल के साथ भी अगर फ्राई करके सादा ऐसे ही तेल में तल के खाने से भी बहुत ही स्वाद आता है इसका। तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है और तेल तो बहुत गर्म है। तो हल्का सा फ्राई कर लेंगे, लाल हो जाए बस हो गया हमारा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये बड़ी को तलने में। ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा बड़ी, जितना भी बढ़िया है रेडी हो गया है। इसको भी दही में डाल देंगे हम। और बिल्कुल 5 मिनट में आपका दो रेसिपी रेडी हो गया है। और इनको ऐसे ही हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये सोक करेंगे दही को अच्छे से। अगर ये सोक कर लेंगे तो ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा लगेगा खाने के लिए। तो हम इसको चावल के साथ खा सकते हैं। अगर कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा डिश के हिसाब से आप उनको बना के भी दे सकते हैं। रेडी हो गया है, 15 मिनट छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद देखिए कितना सारा दही, जो ये हमारा पकौड़ा है, ये इसने सोख कर लिया है। अब बढ़िया भी सोख कर लिए हैं, दही गाढ़ा हो गया है थोड़ा सा। और 5-10 मिनट के बाद बढ़िया भी हमारा रेडी हो जाएगा। और मैं ये जो पकौड़ा है इसको मैं काट के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल पूरा दही अंदर तक चला गया है। खट्टा वाला दही लेना है। और अभी रेडी है हमारा डिश सर्व करने के लिए। थोड़ा सा धनिया पत्ती के साथ सजा के आप सर्व कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है और झटपट भी बन जाता है। अब घर में जितना भी इंग्रेडिएंट्स है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, बन गया हमारा दो रेसिपी। बनाइए, टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।